रूट्स का वीडियो मेथड है फॉर यू टेट सी टेट प्राइमरी लेवल्स एंड यूपी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड अदर बंड एग्जाम के लिए। तो इसमें जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं कि अंडर रूट्स के क्वेश्चन, ठीक है ना। अंडर रूट वाले अभी चल रहे हैं, जैसे कि है इस टाइप में 176 प्लस का अंडर रूट 2401, इसकी वैल्यूज फाइंडिंग करना है। तो अंडर रूट के टर्म में अंडर रूट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2401 का वर्गमूल निकालेंगे। क्या आता है, 2401 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। तो यहाँ पे लग रहा है कि 2 से कटेगा नहीं, बाद में ये ओड नंबर है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हुआ करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसमें हम सबसे पहले डिवाइडिंग देखें कि इससे कटेगा। तो उसमें अगर टाइम वेस्ट हो रहा है, लग रहा है, तो आप डिवाइडिंग वाले मेथड से कर सकते हैं, भागफल विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा वो सोचने में टाइम नहीं जाता है, जैसे कि 5 × 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 × 16 कैंसिल हुआ, 8 आया घटाने पर, 4 यहाँ पे 4 होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 हुआ, यहाँ पे अगला पेयर उतार लेंगे, कितनी बार जा रहा है, 8 आया 0 1, तो 0 1 है तो भाई 2401, 2401 4 × 16 4 × 4 8, अब कितनी बार जाए, 8 × 8 81 हो जाएगा, 81 × 81 तो वहाँ है 801 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पछड़ा पड़ रहा है, यानी कि जो वर्गमूल निकाल का आएगा ऊपर, यहाँ जो लिखा जाता है वो होता है वर्गमूल, ठीक है। तो वो तो बात बन नहीं रही है ना, जिसमें लास्ट में 1 आ जाए, 1 आ जाए, और 9 × 81, जैसे 8 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे, 8 × 2 = 80, 10 बार लगभग जा रहा, देखें किस में जा रहा, 8 × 2 = 80, 10 बार, तो 10 तो 10 में तो पॉसिबल नहीं है, 9 में शायद हो जाए। तो 9 × 81, 9 × 81 का 1 हासिल लगेगा 8, एंड 9 × 8 72, 72 और 8 × 80 हो गया कम्प्लीटली है। तो आंसर जो निकल पाया 49 आया है, 49, 176 प्लस ये 49 हो गया, ठीक है ना, 49 इसका आंसर आ चुका था, वर्गमूल निकल चुका था। डिवाइडिंग फॉर्म से निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। एडिंग करेंगे, 15 × 5 अच्छा, 15 × 5 हासिल लगा, 1 × 7 = 11 = 12 हासिल लगा, 125, कुछ गलत तो नहीं हो गया, 125 नहीं 225 होना चाहिए, क्योंकि 176 तो पहले से 225 यानी कि 15 का आएगा, ठीक है ना। 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, तो 225 का स्क्वायर रूट यानी कि 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप पे, क्वेश्चन है हमारा यह है, 15 612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस का अंडर रूट 225, इसकी वैल्यूज़ फाइंडिंग करना है किस तरह से, यानी कि क्या पॉसिबल क्वांटिटीज़ या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है। तो अंडर रूट वाले जितने क्वेश्चन लगभग लगभग पॉसिबल हैं इस टाइप में, तो वो हम क्वेश्चन इसमें दे दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बनेगा, 225 का जो वर्गमूल होता है, 225 का होगा 15 होता है, ठीक है ना, अभी 15 होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा 15612 प्लस, इसको ऐड कर देंगे 15 को, तो यहाँ हो जाएगा 169 होता है, 169 13 का होता है, ठीक है ना, 13 का होता है, एडिंग कर देंगे इसको, इस 13 को इसमें, 3 × 5 = 2 6 5, 15625, 15625 तो 5 के टर्म में आता है, ठीक है ना, 15625 का आसानी से निकल आएगा, क्योंकि ये होता है जैसे 5 × 25 × 125 × 625 × 3125 × 3125 × 15625, 2 × 4 ये होता है, 5 की पावर 6 होता है, ठीक है ना, 5 × 5 × 5 × 25 × 125 आएगा, 125 का आएगा, ये मेरे ख्याल से 125 का आना चाहिए। फिर भी अगर नहीं संतुष्टि है, अगर आंसर में डाउट है, तो एक बार ट्राई कर लें, 125 का 125 से मल्टीप्लाई, 5 × 25 को आए लगे 2 × 10 = 12 5 × 5 = 6 2 × 2 = 2 2 × 4 = 5 एंड 2 × 2 = 5 2 1 5 2 16 5 आ गया, सही है, 15625, 125 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, यानी 125 का जो स्क्वायर होगा 15625 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में ले रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 प्लस का अंडर रूट 44 प्लस का अंडर रूट 10,000 है, 40 है, 2 2 4, ठीक है ना। तो 10,000 का हो जाएगा 100। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, 4 प्लस का अंडर रूट 44 प्लस का 100, ये हो गया 4 प्लस का अंडर रूट 144, 144 होता है 12 का, और 12 4 16, अंडर रूट 16 यानी कि 4, ठीक है। तो 16 का कितना हो जाएगा वर्गमूल, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 49, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें एडिंग करेंगे, तो 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 7, 7 7 49, ठीक है ना। 49 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 7, तो 29 और 7 हुआ हमारा 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस 36, ठीक है। 29 और 7 36 हुआ, तो 36 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, तो 19 और 6 हो जाएगा 25 यानी कि 25, 25 का हो जाएगा 5। नेक्स्ट लाइन बनेगा अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 11 प्लस का 25 का हो जाएगा 5, यानी कि 5 प्लस का अंडर रूट 11 प्लस का 5 यानी कि अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 5 प्लस का 4 हो जाएगा अंडर रूट 9 इक्वल टू 3, ठीक है। अंडर रूट 9 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 9 इक्वल टू 3, इसका आ गया आंसर 3 आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप में और भी कोई अगर पॉसिबिलिटीज अगर है तो वो देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 0.01 प्लस का अंडर रूट 0.0064, ठीक है। तो इसका निकालना है, तो ये इसी वाली फॉर्म का क्वेश्चन हो जाएगा। 0.03 ठीक है। तो पहले इसका वर्गमूल निकालें, 0.30, तो 64 का 8 होता है, देखिएगा 0.8 का, 0.8 से अगर करते हैं 8 8 64, तो 2 के बाद लगेगा 0.64 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.64 अब वहाँ पे है 0.00, 2 0 और हैं, तो अगर 0.08 हुआ, 0.08 हुआ, तो इस तरह से बनेगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ इतने का 0.08 आ जाएगा। तो ये हमारा बना 0.01 प्लस 0.08, तो यहाँ पे होगा 0.09, 0.09 का हो जाएगा, ये होगा 0.3 × 0.3 यानी कि 0.3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अंडर रूट 0.09 का जो अंडर रूट होगा वो होगा 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सही 9/16 है जैसे, और इसका निकालना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट एक सही, अंडर रूट एक सही 9/16, तो सही बटे मिलेंगे 16 प्लस 9 अपॉन 16, तो 16 9 25 हो जाएगा, अंडर रूट 25/16 यानी कि 5/4, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन है 110 सही 1/4, 110 और 4 हो जाएगा 440 प्लस 1 अपॉन 4 यानी कि अंडर रूट 441/4, 441 21 का होता है, हाँ अपॉन 2, 21 का ट्राई कर लें एक बार, गलत तो नहीं है, 2 × 2 2 × 4 144, ठीक है 441 21 का ही होता है। तो 21 अपॉन 2 अगर सही बटे में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जाता है, 2 से कैंसिल होएगा, 10 टाइम 20 1 बचेगा, तो इसका 10 सही 1/2 लिखा जा सकता है, 10 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 13 अपॉन 12, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स,
ठीक है, एक्स का वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंडिंग करना है, यानी कि एक्स का वैल्यूज़ हमको निकालना है। तो स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो 1 + x / 144 = 169, इसका स्क्वायर हो जाएगा 13/12 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी 1 + x / 144 = 169/144। ठीक है, अब हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, 144 + x = 169/144, ये कैंसिल हो गया, 144 + x = 169, देन x = 169 - 144, यानी कि 169 में 144 घटाया 5, 2, 25 आ गया। ठीक है ना, x = 25। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 + x / 169 = 14/13, द फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यूज फाइंडिंग करना है। तो यहाँ भी वही होना है, 1 + x / 169 = 14/13 का होल ऑफ स्क्वायर, 1 + x / 169 = 196/169। अब क्या कर सकते हैं, 169 एलसीएम ले लें, +x = 196/169, ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो 169 + x = 196 and x = 196 - 169, 196 में से 169 सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे तो ये बचेगा 7, एंड 8 में से 6 गया 2 = 27। ठीक है ना, तो x = आ गया 20, x = आ जाएगा 27।